Hi guys, yesterday in the last lecture we did about the financial statements, trading, profit and loss and balance sheet. Aaj bahut important MCQs hain beta, wonderful and very important. I hope ke in mein se zarur aayenge. Clear? So little bit ek deep breath lein aur us cheez ko revise karne ke baad screenshot to le lein aap, lekin ye video dekhne se pehle usko bhi aap revise kijiyega, uske baad khud ba khud iske answers nikalein, match karein. It's a practice for you guys. So just refresh yourself, trading, profit and loss and balance sheet. और कुछ कहा था मैंने, ट्रायल बैलेंस में आइटम्स होती हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स में होती हैं. तो एडजस्टमेंट्स वाले तो आ नहीं सकते, दो ट्रीटमेंट्स खाओगे वो बाद में करेंगे. तो आज की बात करते हैं बेटे रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड मैं जानता, आप जानते हो बेटे, एक इनवर्ड होते हैं और एक आउटवर्ड होते हैं. आउटवर्ड वो क्या होते हैं जो हमने पहले परचेज किया और फिर हमें पसंद ना आया. तो ये किस में से लेस किए जाएंगे, सेल्स में से या परचेजेस में से? नेचुरली पहले परचेज किया लेकिन हमें गुड्स डिफेक्टिव लगे, हमने रिटर्न कर दिया, इट इज़ डिडक्टेड. तो याद रखिए रिटर्न आउटवर्ड को हम परचेज रिटर्न भी कहते हैं. और इसका रिवर्स रिटर्न इनवर्ड. इनवर्ड क्या हुआ, जब पहले सेल किए थे उनको पसंद नहीं आया उन्होंने, तो ये किस में से डिडक्ट किए जाएंगे बेटा, ये सेल्स में से, परचेजेस में से डिडक्ट नहीं होंगे. कन्फ्यूजन होता है कभी. सैलरीज एंड वेजेस, देखो बेटे यहाँ फर्स्ट वर्ड क्या है, सैलरीज और फिर आए वेज, तो वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द फर्स्ट वर्ड. तो ये जो सब कुछ ट्रायल बैलेंस में ही है, तो सैलरीज अगर हैं तो बेटे ये ट्रेडिंग में जाती हैं, डेबिट साइड में या प्रॉफिट एंड लॉस में जाती हैं. वेजेस जो होते हैं दे गो ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग, बट सैलरीज कहाँ जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड. इज इट क्लियर? तो सॉरी, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज करेक्ट, ट्रेडिंग नहीं. क्योंकि बेटे फर्स्ट वर्ड क्या है, हालांकि वेजेस है तो बंदा कंफ्यूज हो सकता है कि सैलरीज एंड वेजेस, लेकिन फर्स्ट वर्ड इज सैलरी. तो सैलरी जाती है बेटे कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस. हाँ, अगर वेजेस होता, पहले वेजेस होता बाद में सैलरीज होती, तो फिर हम वेजेस पे स्ट्रेस देते. जैसे इसमें वेजेस पहले है बेटे और सैलरीज बाद में, तो इस बार वो कहाँ जाएंगी, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग. तो याद रखिए फर्स्ट वर्ड क्या है. हालांकि नॉर्मल वेजेस होता है और सैलरी अलग लिखा होता है, वेजेस ट्रेडिंग में चला जाता है सैलरी, लेकिन कन्फ्यूजन के लिए दे राइट सैलरीज एंड वेजेस. तो सैलरी इज द फर्स्ट वर्ड, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. वेजेस और सैलरीज होगा तो दैट कम्स इन ट्रेडिंग. अब बात आई मैं जो कह रहा था कि आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात करूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट आउटस्टैंडिंग वेजेस. ट्रायल बैलेंस में एक ही जगह जाने, सिर्फ वेजेस हों तो वो बेटे कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में. लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट आउटस्टैंडिंग वेजेस. तो मैंने क्या कहा था कल कि सब कुछ बैलेंस शीट में या सेट में जाएगा या लाइबिलिटी में. तो यहाँ पे देखिए कि डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जी नहीं, वेजेस तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आ ही नहीं सकता. डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग में आते हैं लेकिन वेजेस आते हैं ना, कि वेजेस आउटस्टैंडिंग. एडजस्टमेंट में होते तो ऐड कर लेते. लाइबिलिटी साइड ऑफ, हाँ लाइबिलिटी, क्योंकि जो देने हैं वो लाइबिलिटी बन जाती है. That comes on the liability, asset side नहीं, asset नहीं है, which we have to, it's a liability. So याद रखिएगा wages अगर normal होता, outstanding ना होता, वो तो trading के debit में आते, तो हम ये बात ठीक कर लेते. लेकिन the thing is, it is in trial balance और wages outstanding लिखा है, outstanding, इसलिए liability बन जाती. Invert in trial balance. Freight, this is freight. FREIGHT. फ्रेट इनवर्ड बेटे, फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट खर्चा होता है और डायरेक्ट खर्चे कहाँ आते हैं बेटे, ट्रेडिंग में आते हैं ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में. तो ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है बेटे, इनवर्ड. और आउटवर्ड होता तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाते हैं. जैसे कि अब ये कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज इनवर्ड हो तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, लेकिन कैरेज आउटवर्ड ये डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर ये ट्रेडिंग में नहीं आएगा. तो ये इनवर्ड जो है दैट कम्स इन ट्रेडिंग. आउटवर्ड इनवर्ड परचेजेस पे होते हैं, तो इनवर्ड के खर्चे ट्रेडिंग में आते हैं और आउटवर्ड के खर्चे मैंने उस दिन एम्फेटिकली एक्सप्लेन किया था, ये कहाँ जाएंगे बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस में. डिस्काउंट अलाउड, ये तो खर्चा है बेटे, खर्चे हैं. डिस्काउंट अलाउड एक किस्म वही है कि हमसे कस्टमर लेने आया, हमने उसको 1000 की चीज़ 700 में दे दी, तो 300 जो हमारे लिए हुआ. तो ये डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग नहीं जी, ट्रेडिंग अकाउंट में ये इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड, ना कि बैलेंस शीट में जाएंगे. अब बात आई है बेटे वही क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल
में अगर हमें दिया, वैसे तो अगर ट्रायल के बाहर दिया हुआ है तब तो दो ट्रीटमेंट मैंने बताए थे, लेकिन अब तो हमें सिर्फ चेक करना है कि वैसे तो दो ट्रीटमेंट होता तो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग भी चला जाता, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो आ ही नहीं सकता, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ ट्रायल में दिया है, एडजस्टमेंट में नहीं दिया। तो ट्रायल में तो एक ही बार शो कर सकते हैं, तो वो कहाँ शो किया जाएगा? असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब ये भी सिर्फ इंश्योरेंस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आती है, लेकिन यहाँ क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस है भी कहाँ? ट्रायल बैलेंस में। तो प्रीपेड या तो असेट या लाइबिलिटी, और जो प्रीपेड है दैट इज ऑलवेज असेट। क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग जी नहीं, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जी नहीं, लेकिन इंश्योरेंस नॉर्मल दिया हो तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, लेकिन प्रीपेड हो और ट्रायल में दियो तो दैट इज असेट साइड। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बेटे, इनकम टैक्स पेड बाय प्रोप्राइटर। देखो बेटे, इनकम टैक्स जो होता है दैट इज प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा होता है, इसलिए हालांकि इनकम टैक्स है, आप कहोगे बिजनेस पे टैक्स, जी नहीं, ये बिजनेस पे टैक्स नहीं है, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स है, और प्रॉफिट किसका है? प्रोप्राइटर का, मालिक का। तो ये ड्रॉइंग्स माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स को ड्रॉइंग्स माना जाता है, और जो ड्रॉइंग्स हैं वो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आती, वो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग भी नहीं आती, वो कहाँ जाती हैं? कैपिटल में से माइनस। तो याद रखिएगा, इनकम टैक्स हो चाहे LIC हो, ये बेटे पर्सनल होता है, LIC बिजनेस की नहीं होती, वो प्रोप्राइटर की पर्सनल होती है। इनकम टैक्स, टैक्स ऑन प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट बिलोंग्स टू प्रोप्राइटर, तो इसे हम ड्रॉइंग्स मानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वन। CBSE में तो बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, वैसे तो बेटे कमीशन जो हम रिसीव करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएं, इनकम है हमारी, प्योर इनकम है, लेकिन इन एडवांस है और है भी ट्रायल बैलेंस में, तो एक ही जगह, कल मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में, तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कमीशन रिसीव, अक्रूव्ड इनकम्स, ये हमें बैलेंस शीट में ही शो करनी है, उस दिन मैंने एम्फेटिकली आपको एक्सप्लेन किया था। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, 12% लोन हमने 40,000 का लिया, बैंक से लिया या किसी से लिया, 40,000 का लोन लिया और 12% इंटरेस्ट था, ये हमारे ट्रायल बैलेंस में शो किया गया है। लेकिन उन्होंने ना इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में जो है उन्होंने 3800 निकाला हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को कितने से डेबिट किया जाएगा? वेरी इंटरेस्टिंग, हमने एक लोन लिया 40,000 का, 12% ऊपर लिखा, इसका मतलब हमने पूरे साल का इंटरेस्ट कितना पे करना है बेटे? 12%। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में उन्होंने 3800 शो किया, तो हम क्या करेंगे? हम बेटे इस 40,000 पे 12% इंटरेस्ट पूरे साल का निकालेंगे, ये आया 4800, तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जो फिगर जाएगी पूरे साल की जाएगी 4800, ना कि 5000 ये और ये। हाँ, वो कैसे जाएगी कि 3800 तो बेटे प्रॉफिट एंड लॉस में पहले ही शो हुआ है, इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग 200, तो टोटल हमारा इंटरेस्ट 4000 बनेगा, 4800 सॉरी, इसमें मतलब 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, टोटल 4800। तो बात यह है कि 3800 दिया है लेकिन बन रहा है 48, तो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हमारा 4800 जाना चाहिए। वो कैसे? कि जितना परसेंट लोन लिया हमें पूरे साल का देना है, तो हम डेबिट अक्रूव्ड कंसेप्ट होता है कि भाई पूरे साल का इंटरेस्ट डाला जाता है, हालांकि उसने प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तक कितना दिया हुआ है 3800, और 3800 को मुझे 4800 लिखना है, तो इसमें ऐड करूंगा मैं आउटस्टैंडिंग 1000, तो ये बन जाएगा 4800। तो लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में 4800, और ये जो बना एक्स्ट्रा 1000, ये इंटरेस्ट जो मुझे पे करना है ये लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। अब मैनेजर को कमीशन 5% देनी है बेटे, वैसे तो कमीशन प्रॉफिट पे होती है, नॉर्मल लिखा हो तो 5% का मतलब 5/100 होता है नॉर्मली, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने ये वर्ड लिखा है बेटे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, 5% तो देनी है लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो देखा जाए बेटे, तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में फॉर्मूला क्या लग जाता है? प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो इसका मतलब जो हमारे प्रॉफिट दिया हुआ बेटे 2100 का इंटू 5/100 5 हो जाएगा, तो ये 100 रुपीज़ हमारी बनेगी, तो आंसर इज 100। याद रखें 5% कमीशन दिया होता तो 2100 पे हम 5% ही निकालते हैं नॉर्मली, तो 105 बनती है, लेकिन
आफ्टर चार्जिंग हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रिमेंबर इट ऑलवेज, जो प्रॉफिट है इनटू रेट मींस 500 में वो रेट को प्लस करें 105 तो हमारा आंसर 100 होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल कमीशन 5% मींस 5/100, अगर उन्होंने बिफोर भी लिखा होता तब भी 5/100 ही देते और 105 आंसर आता। लेकिन जिस क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग होगा तो आफ्टर चार्जिंग में हमारा ये फार्मूला है, रिमेंबर इट, ये भी बहुत चांसेस होते हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, गो थ्रू इट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप एंड आई विश ये आए आपका।